हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल कमल एकेडमी कोच। दोस्तों, आप सभी के शानदार रिस्पांस को देखते हुए हमारे टीचर्स का मनोबल बहुत ऊपर हो चुका है और जो आपके बच्चों की परफॉर्मेंस थी उसके बेस पे हमें दोबारा बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस मिल रहे थे कि और वीडियोस बनाइए बच्चों के लिए क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो उसको देखते हुए हमारे टीचर्स बहुत 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 एनकरेज फील कर रहे हैं और वो आपके लिए नेक्स्ट सेमेस्टर में भी वीडियोस आज से बनाना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो देखते हैं आज बच्चे हमारे क्या सीखने वाले हैं, आइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर आई एम विनीता एंड टुडे वी विल स्टडी मैथ्स। टॉपिक इज एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स। Mr. Das wants to buy the toys shown below for his daughter Kiran. He would like to know approximately how much the toys will cost him. He wants to know the approximate cost. तो इस पिक्चर में आपको क्या समझ आ रहा है कि कुछ टॉयज हैं और मिस्टर दास में अपनी बेटी के लिए खरीदना चाहते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि इनकी अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या होगी। When we give an approximate answer close to the exact answer, we are estimating. जब हम exact answer के close यानी rest answer देते हैं उसे हम कहते हैं estimating, क्योंकि हम round off करके find करते हैं। जब हम किसी number को round off करके जो number find करते हैं उसे हम कहते हैं estimating number. We round off the numbers and then estimate the product. Above pictures, what do we see? The price of one toy is ₹86. तो हमें थ्री टॉयज की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो यहाँ पर the cost of three toys is 3 × ₹86. तो हमें approximate कॉस्ट फाइंड करनी है, इसलिए हमें 86 को क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। और 86 जब राउंड ऑफ होगा नियरेस्ट 10, तो ये होगा 90। ठीक है, ये एस्टिमेटिंग नंबर हो गया। अब हम इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × ₹90 = ₹270। तो इन थ्री टॉयज की अप्रोक्सीमेट कॉस्ट क्या है, ₹270। फॉर एग्जाम्पल, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 38 × 40। यहाँ पर हम 38 और 44 को कॉलम में अरेंज करके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। इनका जो मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आएगा वो होगा रियल प्रोडक्ट, और जब हम इसको एस्टिमेट करते हैं राउंड ऑफ करते हैं तो जो प्रोडक्ट आएगा वो होगा एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट। यहाँ राउंड ऑफ करना स्टार्ट करते हैं, 38 को नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करते हैं तो 8 इज ग्रेटर देन 5, इसलिए यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो 38 का राउंड ऑफ क्या होगा नियरेस्ट 10, 40। और 44 को जब राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 10 तो ये है लेस देन 5, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा और ये जो नंबर है ये 0 से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, तो यह बन गया 40। ठीक है, तो ये दोनों एस्टिमेटिंग नंबर्स हैं और अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, वी फाइंड 1600 जो कि एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट है। और यहाँ का जो एक्चुअल प्रोडक्ट आया है वो क्या है, 1672। इन द नेक्स्ट एग्जांपल, एस्टिमेट द प्रोडक्ट 516 × 393 टू द नियरेस्ट टेंस एंड हंड्रेड्स। मीन हमें इसको टेंस से भी और हंड्रेड से दोनों से राउंड ऑफ करके फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले तो हम इसे नियरेस्ट 10 करेंगे, नियरेस्ट 10 राउंड ऑफ करेंगे तो कॉलम में पहले अरेंज किया और हम इस वंस वाले नंबर को एग्जामिन करेंगे 5 के साथ, 6 इज ग्रेटर देन 5 तो उसके टेंस वाले नंबर में 1 इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हमें राउंडिंग नंबर जो मिला वो क्या है, 520।
एंड 393 को जब करेंगे तो यहाँ पर वंस वाले नंबर को 5 के साथ एग्जामिन किया और ये है लेस देन 5, ठीक है, प्लीज लेस देन 5, तो टेंस वाले नंबर में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो और जो वंस वाले नंबर हैं वो ज़ीरो से रिप्लेस हो जाते हैं। वी फाइंड 390 और जब हम इन एस्टिमेटिंग नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं वी फाइंड 2,02,800। दिस इज एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट। ये तो नियरेस्ट 10 से हो गया, अब नियरेस्ट 100 से करेंगे इसी नंबर को। नियरेस्ट 100 से करने के लिए हमें क्या इसको देखना होता है, टेंस वाले नंबर्स को, ठीक है, टेंस और वंस वाले। तो यहाँ पर और 50 के साथ एग्जामिन करते हैं, ठीक है। तो 16 इज लेस देन 50, तो 100 वाले नंबर पे कोई चेंज नहीं होगा और ये दोनों नंबर ज़ीरो से रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। वी फाइंड 500। नाउ राउंड ऑफ द नंबर 393, इनके भी वंस और टेंस वाले प्लेस को जब हम एग्जामिन करते हैं 50 के साथ तो ये है 93 विच इज़ ग्रेटर देन 50, तो 100 वाली प्लेस में प्लस 1 हो जाएगा और ये 93 इज रिप्लेस बाय 0 एंड जो नंबर हमें मिला वो क्या है 400। तो एस्टिमेटिंग नंबर्स हो गया 400। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 मल्टीप्लाई बाय 400 वी फाइंड 200,000, ठीक है। तो ये हो गया एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट और इसका एक्चुअल प्रोडक्ट क्या होगा, 316 मल्टीप्लाई बाय 393 एंड द प्रोडक्ट इज 2,02,788। तो बच्चों अब एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट के बारे में आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।